સિલવાસના આઈ માતાજીના મંદિરે હીલિંગ વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મુંબઈના જાણીતા હીલિંગ નિષ્ણાંત ગોંડે ઉપસ્થિત રહીને હીલિંગથી તમામ રોગો દૂર થતા હોવાનો દાવો કર્યો હતો. આ વર્કશોપમાં ઉપસ્થિત લોકોને હીલિંગનો ઉપયોગ કરતા શીખડાવવામાં આવ્યું હતું. इसका मेन उद्देश्य ये की है कि कोई भी आदमी जो इस धरती पर घूम रहा है उसको किसी भी तरह से उसका जीवन स्वस्थ बने. स्वस्थ मतलब ये है कि निरोग रहे. तो निरोग अगर रहना है तो इसके लिए उनका उनका जो है जकार्ता में इंडोनेशिया में एक टेंपल है, वहाँ पर उन्होंने कुछ साधना वगैरह किया था तो वहाँ से उनको ब्लेजिंग मिला है. तो ब्लेजिंग के अगेंस्ट में क्या किया है, उन्होंने एक चीज़ डेवलप किया है. वो डेवलपमेंट में इन्होंने हीलिंग वांड, एक छड़ी होती है और एक अफर्मेशन होते हैं उनके, तो ये दोनों ये छड़ी ये है और अफर्मेशन, दीज आर अफर्मेशंस, तो ये क्षमा प्रार्थना एक अफर्मेशन है. तो ये दोनों मिलकर के आपके सिस्टम को, बॉडी के सिस्टम को बैलेंस करते हैं. ये अफर्मेशन एक्चुअली हमारा बॉडी जो बीमार होता है वो दो तरीके से बीमार होता है, एक तो आदि देविक आदि भौतिक. तो आदि देविक में क्या होता है, हमारे कर्मों की श्रृंखला से अगर हम बीमार पड़ते हैं तो वो भी एक बीमारी आती है, और दूसरी जो भौतिकता है, जो हमारा खाने पीना है सब चलता है, उसकी वजह से भी बीमारी आती है. तो ये दोनों तरह की बीमारियों को बैलेंस करके ठीक करता है. और इसकी हीलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जितनी भी लाइफ दुनिया में जो पद्धतियाँ चल रही हैं अपनी, उसमें इसका कोई सानी नहीं है, क्योंकि ये हीलिंग कर्मा पर आधारित है. किस पर आधारित है, कर्मा पर आधारित है. और कर्म की हीलिंग मतलब है कि पिछले जन्मों में अगर कोई आपने गलत काम किया हो तो उससे अगर आपको बीमारी हो तो ठीक होगी. इस जन्म में अगर आपने अभी से पहले जो गलत काम किए उससे कोई प्रॉब्लम होगी वो आपकी ठीक होगी. और उसके अलावा नेचुरल फिनोमेना में अगर आपको कोई तकलीफ है ये उसको भी हील करता है.